जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जी राइडर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों इस समय है हम सिरपुर डैम पर। ये दोस्तों सिरपुर डैम है और बिल्कुल ये महाराष्ट्र बॉर्डर के पास है। और ये देखिए क्या नज़ारा है हमारे पीछे, देखिए सिरपुर डैम जो काफ़ी लंबा है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई भी 3-4 किलोमीटर की है, बहुत बड़ा डैम है। 8 यहाँ पे गेट है और देखिए हम कुछ नज़ारा आपको दिखा दें। एक नंबर जबरदस्त सीन है, एक गेट यहाँ पे खुला हुआ है और हमारा बाइक है नीचे, वो रहा हमारा बाइक नीचे। और यहाँ नहाने के लिए जबरदस्त है, कुछ लोग हैं उधर आगे जो नहा रहे हैं। जितना भी फूल दिखाई दे रहा है ये पलास के फूल है, जिसे छत्तीसगढ़ी में परसा बोलते हैं, परसा का फूल। और ये डैम बनने से इधर पूरा हरा भरा है, इधर के जल स्तर बहुत ही पास में है। और ये सिरपुर डैम 30% लगभग महाराष्ट्र में है, बाकी छत्तीसगढ़ में। और इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आता ऐसा लगता है, लेकिन छुट्टियों के दिन में जरूर आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल ढलान, एक्चुअली हम दूसरे काम से आए थे यहाँ पे, लेकिन पास में ही अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो हम ज़रूर विजिट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। और कुछ वाटरफॉल यहाँ पे ज़बरदस्त है, इसको दिखाता हूँ, वो वाटरफॉल हो रहा है, ये देखिए ज़बरदस्त। एक गेट यहाँ पे खुला हुआ है, ये देखिए पहला नंबर का गेट को खोल रखे हैं और बाकी 7 गेट बंद है, टोटल 8 गेट है। और यहाँ जबरदस्त पानी भरा, बहुत गहरा होगा और उधर लोग बाग नहा रहे हैं। ये और अभी हम छत्तीसगढ़ में खड़े हैं, जस्ट हमारे पानी के उस पर महाराष्ट्र है, 100 मीटर की दूरी पर महाराष्ट्र है। ये पानी की जो सीमा है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर को बनाती है, यहीं से फिर ये आगे जाके ये बाघ नदी बन जाती है। और वो लोग जो है कि वो महाराष्ट्र से हैं और हम हैं छत्तीसगढ़। और यहाँ पे ये बेर का पेड़ है, ये जो दिख रहा है बेर का पेड़ है, और ये नीलगिरी का पेड़ है, और ये जो हरा हरा दिख रहा है ये जामुन का पेड़ है, जहाँ पे जूम हो रहा है। और जामुन का पेड़ ज़्यादातर रहता है, जबरदस्त जबरदस्त डैम है। अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, अगर आप छत्तीसगढ़ से आ रहे हो तो सीधा नागपुर हाईवे पकड़िए, जहाँ पे महाराष्ट्र ख़त्म हो जाता है वहीं पे ही है डैम, वहाँ पे किसी को पूछ लीजिए, वहाँ से अंदर 1-1.5 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। सॉरी जी, ज़रूर आइए, बाघ नदी का ये स्थल है, सिरपुर वाला एरिया है, डैम बढ़िया है। और जब आप
बारिश के बाद यहाँ पहुँचोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप यहाँ पे विजिट करने के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी में आओगे तो हो सकता है कि आपको प्रकृति दृश्य थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन आप पानी का मज़ा ले सकते हो, नहाने वहाने का काम कर सकते हो, इवन पिकनिक भी मना सकते हो अपोजिट वाले एरिया। और ये देखिए हमारा बाइक यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों ही जी राइडर का बाइक है। ये ओल्ड वाला है जो पहले इसे लद्दाख फतेह किया, लद्दाख सिक्किम घूम चुका हूँ, जी राइडर लिखा हुआ है 220। ये मेरा बाद में जो बाइक खरीदा वो वाला है। तो अब करते हैं अलविदा दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।